अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। टॉपिक है हमारा अमाइलोइडोसिस, पेज नंबर है 212, फर्स्ट एड, यूएस एमिली। हम पैथोलॉजी चैप्टर 1 यानी कि सेल इंजरी को डिस्कस कर रहे हैं और इसका लास्ट टॉपिक है अमाइलोइडोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अमाइलोइडोसिस एंड देन इट्स टाइप्स। जी तो व्यूवर्स, अमाइलोइडोसिस क्या होती है, अमाइलॉइड क्या होता है? अमाइलॉइड इज़ अ मिसफोल्डेड प्रोटीन, एक म्यूटेटेड मिसफोल्डेड एबनॉर्मल प्रोटीन है जो जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट होती है तो सेल्स को डैमेज करती है, टिश्यूज़ को डैमेज करती है, और इस कंडीशन को कहते हैं अमाइलोइडोसिस। तो अमाइलोइडोसिस इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल, ठीक है, हमेशा पैथोलॉजिकल होती है। इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हैं कि इसमें बीटा प्लीटेड शीट्स होती हैं, प्रोटीन्स की शीट्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, किस तरीके से हम अमाइलोइडोसिस को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं? तो इसको देखने के लिए एक स्टेन यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्गो रेड स्टेन। आपके CPSP के पिछले पास पेपर जो लोग कर रहे हैं, दे मस्ट हैव सीन के स्टेन्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज़ को किस स्टेन पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अमाइलॉइड डिपॉजिट्स को विजुलाइज करने के लिए कॉन्गो रेड स्टेन यूज़ होता है। नॉन पोलराइज लाइट यूज़ करेंगे तो रेड एंड ऑरेंज कलर के नज़र आएंगे, पोलराइज लाइट यूज़ करेंगे तो एप्पल ग्रीन कलर की बायफ्रिंजेंस नज़र आएंगी। ठीक हो गया, ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिपॉजिट्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट्स होते हैं, किडनी में जाके मेसेंजियल एरियाज़ में डिपॉजिट्स होते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन में, मल्टीपल एरियाज़ में बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन, सॉरी अमाइलॉइड प्रोटीन्स जाके डिपॉजिट होती हैं और फिर ये डिजीज़ करती हैं, ये टिश्यू डैमेज कॉज करती हैं। इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं, ये सिस्टेमिक भी होती हैं, लोकलाइज्ड भी होती हैं, हेरिडिटरी भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेज के पेज नंबर 212 पे बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इस वीडियो में हम सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस को डिस्कस करेंगे, स्टे कनेक्टेड। जी तो व्यूवर्स, चलें डिस्कस करते हैं सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस को। सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस यानी ओवरऑल हमारी बॉडी में जो है वो अमाइलॉइड्स की डेपोजिशन होती है, किन कंडीशन में होती है हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ आती है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस। प्राइमरी अमाइलोइडोसिस क्या है, मतलब ये कि किस टाइप के इसमें जो है अमाइलॉइड है, तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, और इसकी एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। तो सिंपली आपने याद ये रखना है कि प्राइमरी अमाइलोइडोसिस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइट चेन डिपॉजिट होते हैं और एग्जाम्पल है इसकी मल्टीपल माइलोमा। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस जो है वो एसोसिएटेड होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से, और इसमें क्या होता है, इसमें डेपोजिशन होती है सीरम अमाइलॉइड्स की, अमाइलॉइड ए की, सीरम अमाइलॉइड ए, ठीक है। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, सीरम अमाइलॉइड ए। प्राइमरी में क्या था, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइट चेन डेपोजिशन। सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में क्या है, सीरम अमाइलॉइड ए। किसके साथ एसोसिएटेड है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, इसमें मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आएंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर हो गया, प्रोट्रैक्टेड इन्फेक्शंस या मेलिग्नेंसीज, ये वो सारी कंडीशंस हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रहती है जिनकी वजह से इन सारे डिसऑर्डर्स में सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस होती है, यानी डेपोजिशन ऑफ सीरम अमाइलॉइड्स ए होती है इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस। अब आ जाती है डायलिसिस रिलेटेड अमाइलोइडोसिस, इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स, ठीक है। यहाँ कौन से अमाइलॉइड्स हैं, डिपोजिशन ऑफ बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स, ये ज़्यादातर ESRD वाले पेशेंट में या जो लॉन्ग टर्म डायलिसिस वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर होती है, ठीक हो गया। अब एक चीज़ है फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, तो ये फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर ये है क्या, बहुत सारे लोगों ने तो शायद सुना ही पहली दफ़ा हो, ठीक है, लेकिन पैथोमा में इसको डिटेल में लिखा हुआ है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें डिसफंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। ये भी यानी कि न्यूट्रोफिल्स की डिसफंक्शन हो गई तो ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में आ गया है। इसमें फीवर होता है विद सीरोजल इन्फ्लेमेशन एंड इट मिमिक्स विद अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसके अंदर भी सीरम अमाइलॉइड ए की डेपोजिशन होती है इन द टिश्यूज, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस, ठीक हो गया। टाइप से याद हो गई, अब रिवाइज करें, प्राइमरी अमाइलॉइडोसिस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइट चेन, सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस में सीरम अमाइलॉइड ए, ठीक है, और डायलिसिस रिलेटेड में बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स, ठीक हो गया। प्राइमरी की एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा, सेकेंडरी की एग्जाम्पल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, डायलिसिस की एग्जाम्पल तो डायलिसिस ही है, ठीक है।
तो ये तो हमने टाइप्स पढ़ी सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की। अब नीचे मैंने ये 3-4 MCQs लिखे हैं, ये पैथोमा के अंदर लिखे हुए, फर्स्ट एड में नहीं लिखे हुए, लेकिन ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि मोस्ट और कॉमन ऑर्गन दैट इज़ अफेक्टेड ड्यू टू सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस इज़ किडनी, ठीक है। सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस का वर्ड याद रखना है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में अमाइलोइडोसिस से हमेशा अल्जाइमर ही दिमाग में आता है, तो नहीं। अगर सिस्टेमिक अमाइलोइडोसिस की बात होगी तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन इज़ किडनी, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बायोप्सी करते हैं, टुकड़ा इसका लेते हैं एब्डोमिनल फैट पैड से या रेक्टम से, और उसके बाद उसकी बायोप्सी करके देखते हैं कि इसमें अमाइलॉइड प्रोटीन्स डिपॉजिट हुए हैं या नहीं। ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, सिंपली जो ऑर्गन अमाइलोइडोसिस की वजह से डैमेज हो जाता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है, ओके। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, वैसे अगर देखा जाए तो डिपोजिशंस है ना, डिपोजिशंस ऑफ वेस्ट, नॉट वेस्ट मटेरियल, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स इन द बॉडी, तो ये क्या कराता है, ये मल्टीपल ऑर्गन्स में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, सबसे पहले कार्डियक, अगर ये कार्डियक सिस्टम में जाती है तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथीज कराती है, एरिथमियाज कराती है, GI ट्रैक में मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है इसकी वजह से, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली हो जाती है। रीनल में अगर देखा जाए तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कराता है ये, और हीमाटोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इजी ब्रूजिंग होती है इसमें, और हिपेट और स्प्लीनोमेगैली होती है, ठीक है, यानी स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाती है ड्यू टू द हीमोलिसिस ऑफ RBCs। CNS में न्यूरोपैथी करवाती है, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में कार्पल टनल सिंड्रोम कराती है। तो ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि किस कंडीशन के अंदर अमाइलोइडोसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो होपफुली आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी समझ में आ गई होंगी और सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस की टाइप्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस यहाँ पर जो है रफ़ीउल्ला ने इसको पैथोलॉजी में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जहाँ पर भी ये पॉइंट मुझे मिलेगा आई विल डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है। और वैसे भी इसका ज़्यादातर क्वेश्चन अल्जाइमर रिलेटेड पूछा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लोकलाइज अमाइलोइडोसिस में। तो सिस्टेमिक में आपने याद रखना है कि प्राइमरी में कौन से अमाइलॉइड्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लाइट चेन, सेकेंडरी में कौन से होते हैं, सीरम अमाइलॉइड ए, डायरेस रिलेटेड में कौन से होते हैं, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन्स, ठीक है। फेमिलियर मेडिटेरियन फीवर में क्या होता है, डिसफंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल एंड इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इफेक्ट ड्यू टू द अमाइलोइडोसिस इज किडनी, द डायग्नोसिस ऑफ द अमाइलोइडोसिस इज बायोप्सी एंड द ट्रीटमेंट इज ट्रांसप्लांट, ठीक हो गया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप जितना ज़्यादा इसको रिवाइज करेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, ये याद रखना है, ठीक हो गया। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी, कोई मिस्टेक किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, वीडियो यूज़फुल है तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।